इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम मौजू के साथ अहम खबरों पर भी एक नज़र। बहुत ही अहम मौजू, क्या भारत में अभिव्यक्ति आज़ादी यानी इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदी लगना शुरू हुआ है? आप यकीन नहीं मानेंगे कि देश किस दिशा में जा रहा है। पत्रकारिता यानी सहाफत पर पाबंदियां आने का दौर भी शुरू हुआ है। अगर आप गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आप पर मुकदमे दायर किए जा सकते हैं, आपको जेल का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। खैर, कुछ गोबर भक्तों को, अंध भक्तों को इस बात से कुछ फर्क न पड़ता हो, पर देश की जनता को अहम फैसला करने का वक्त आ गया। अगर आप खामोश रहेंगे तो आने वाली नस्ल गूंगी पैदा हो सकती है। लिहाजा किसान आंदोलन के बाद इस तरह की कार्रवाई में जबरदस्त इजाफा हो चुका है। प्रेस की आज़ादी को छीनने की कोशिश जारी है। 26 जनवरी को किसानों के जरिए तशद्दुद की असली हकीकत को मंजर आम पर लाने वाले और मोदी हुकूमत की मुखालफत करने वाले सहाफियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। एक के बाद एक कई मामलों के मद्देनजर सहाफियों की तंजीमों ने हुकूमत की ज्यादती के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करना शुरू किया हुआ है। कुछ बड़े सहाफियों के साथ सोशल मीडिया पर भी कार्रवाई की जा रही है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस एसोसिएशन, इंडियन वुमन प्रेस कोर, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने सख्त अल्फाजों में मरकजी और रियासती हुकूमत की कार्रवाई की मजम्मत की है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपने बयान में कहा कि कोई वारदात अमल में आती रहती है तो चीज़ें अक्सर बदलती रहती है, उसी तरह जो मौजूदा हालात है वही रिपोर्टिंग में दिखती है। जब इतनी भीड़ शामिल हो और माहौल में शकुशुबात और अटकलें हो तो कई बार पहली और बाद की रिपोर्ट में फासला हो सकता है। इसे मोटिवेटेड रिपोर्टिंग बताना जुर्म के तौर पर पेश किया जा रहा है, जो गलत है। खासकर दिल्ली यूपी एमपी में प्रेस की आज़ादी का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। जब से मोदी हुकूमत इख्तदार पजीर हुई है, सच और बेबाक लिखने बोलने वालों पर कार्रवाई करने की वारदातें अक्सर देखी जा रही। कई ऐसे न्यूज रिपोर्टर्स हैं जिन्हें टीवी चैनलों से इसलिए निकाला गया क्योंकि मोदी हुकूमत के विरोध में रिपोर्टिंग की गई। वहीं दूसरी तरफ अंजना ओम कश्यप, अमीश देवगन, रूबिका लियाकत, रोहित सरदाना, रजत शर्मा, अर्णव गोस्वामी और ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्होंने चाटुकारिता के जरिए करोड़ों रुपए भी जमा किए। गोदी मीडिया की खासियत यही होती है कि बजाय सत्ता से सवाल करने के विपक्ष से सवाल पूछेंगे। लिहाजा अब तो सोशल मीडिया पर भी इन्होंने कार्रवाई करना शुरू किया हुआ है। सिर्फ किसान एहतजाज की रिपोर्टिंग पर ही कई सहाफियों पर कार्रवाई की गई है। खासकर दिवायर के सिद्धार्थ वरदराजन पर दफा 153 बी और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया। शाम कारवा और जनपद के लिए सहाफती खिदमत अंजाम देने वाले सहाफी को मनदीप पुनिया को सिंध बॉर्डर से सरकारी कामों में रुकावट पैदा करने का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ आईपीसी की 4 दफाएं लगाई गई। इन्हें 14 दिन अदालती हिरासत में भी भेजा गया। दिगर सहाफियों का कहना है कि मनदीप ने अपने फेसबुक लाइव के जरिए मकामी अवाम के नाम पर और मकामी लोगों के आड़ में बीजेपी और आरएसएस के गुंडों की गुंडागर्दी और पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे और पुलिस भी किस तरह से भाजपा और संघियों का साथ देने का सीधा टेलीकास्ट फेसबुक के जरिए किया गया था, इसलिए इनकी गिरफ्तारी हुई, ऐसा भी कहा जाता है। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने जुमेरात 28 जनवरी को इंडिया टुडे के मशहूर सहाफी राजदीप सरदेसाई, नेशनल हेराल्ड की बुजुर्ग सलाहकार एडिटर मृणाल पांडे, कौमी आवाज के एडिटर जफर आगा, द कारवा पत्रिका के एडिटर फाउंडर परेश नाथ, द कारवा के एडिटर अनंत नाथ और इसके एग्जीक्यूटिव एडिटर विनोद के जोश के खिलाफ राजद्रोह का कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। तमाम पर हुकूमत के खिलाफ गलत खबर फैलाने का और आवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया गया। खासकर किसान की गोली लगकर मौत मामले का जिक्र भी इसमें किया गया। यूपी पुलिस के बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया, फिर एमपी पुलिस ने भी मामला दर्ज किया। इसी तरह द फ्रंटियर मणिपुर के 2 एडिटरों पर मुकदमा दर्ज किया गया। लिहाजा बढ़ते रिपोर्टरों के मुकदमों के मद्देनजर दी एडिटर्स गिल्ड ने तमाम को फौरी तौर पर रिहा करने की मांग की है। भारत में बढ़ते प्रेस की आजादी को दबाने की वारदातों पर आलमी प्रेस तंजीमों ने भी मोदी हुकूमत पर दबाव डालना शुरू किया हुआ। वजीर आजम मोदी को खत के जरिए तवज्जो दिलाई है कि ऑस्ट्रिया की इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI और बेल्जियम की इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट IFJ ने वजीर आजम से कहा है कि पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह दूसरे इल्जाम लगाकर प्रेस की आजादी का गला घोंटा जा रहा है और यह बहुत ही अफसोसनाक है। भारत में
प्रेस फ्रीडम की बात करें तो पेरिस मुकीम बैन अल-अक़वामी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हर साल 180 मुल्कों की प्रेस फ्रीडम रैंक जारी करती है। इस इंडेक्स में भारत की रैंक लगातार गिरती जा रही है। साल 2009 में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 105वें मुकाम पर था, जबकि अब 142वें मकाम पर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर भारत की तमाम महाज पर बदनामी मुस्तकिल जारी है। भारत की गिरती मईशत झूठे दावों वादों की तवील फहरिस्त, लाखों करोड़ों हजार के सिर्फ वादे, किसानों का एहतजाज, मनमानी कानूनों को मंजूरी और आवलमी सतह पर सहाफियों को लेकर हो रही बदनामी से देश की तस्वीर कलंकित हो रही है। जमहूरियत का चौथा सुतून वैसे भी मोदी हुकूमत में बिकने की बात कही जा रही है। जमीर फरोश सहाफियों की तवील फहरिस्त है, पर साथ में बेबाक खुददार और सहाफत के पेशे के साथ इंसाफ करने वाले पत्रकार सहाफी आज भी मौजूद है। इस देश की हिम्मत है, हुकुमशाही में लोकतंत्र की उम्मीद है। ऐसे पत्रकारों सहाफियों को देखते हैं तो देश के लोकतंत्र के मजबूत होने का भरोसा टिका रहता है। जो अपने जमीर का चंद रुपयों के लिए सौदा नहीं करते, ताज्जुब तो उन जमीर फरोशों पर होता है कि अपने जमीर का सौदा कर अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते होंगे। तारीख गवाह है, हमेशा इनकलाब चंद मुट्ठी भर ही लाते हैं, भले वक्त के फिरौनी हर लिहाज से हक को दबाने की कोशिश करें। इतना जरूर है कि जब हक की खातिर कैद खाने भरे जाने लगे तो समझ लेना कि नए इनकलाब का आगाज होने वाला है, क्योंकि कैद खानों से जब आवाजें बुलंद होने लगती हैं तो तख्त और ताज पलटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अब कुछ मकामी खबरें। किसान एहतजाज ने मुल्क के सियासत की तस्वीर ही बदल दी है। लोग अब समझने लगे कि धर्म जात पात नस्ल भेद से पहले रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है। फिर भी कुछ लोग इस तरह की बातें फैलाने का काम मुस्तकिल करते रहते। गोकाक में आज विश्व हिंदू अंतरजातीय प्रोत्साहन संघ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों को मजहब को बदलने पर मजबूर किया जा रहा है। लिहाजा अब हिंदुओं को मजहब तब्दील को रोकने के लिए विश्व हिंदू अंतरजातीय प्रोत्साहन संघ का कयाम अमल में लाया गया। मुस्लिम समाज के नौजवानों की जानिब से हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लिहाजा इसके जवाब में हमें भी लव जिहाद करना होगा, ऐसा डॉक्टर आरूढ़ भारती स्वामी जी ने कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को महालिंगेश्वर प्रिंटिंग प्रेस में रखा गया था। कोरोना आलमी वबा के मद्देनजर तकरीबन सभी लोगों की मईशत मुतासिर हुई है, खासकर मजदूर, किसान, छोटे ताजिर, ऑटो ड्राइवर। लिहाजा हेस्कॉम की जानिब से यूनिट के दाम भी बढ़ाए गए। लॉकडाउन के तवील अरसे के बाद अब कुछ धीरे धीरे कारोबार संभलते नजर आ रहे, पर हेस्कॉम के मुलाजमीन बिल वसूल करते वक्त सख्ती बरतने के वाकयात पेश आ रहे। आज आरपीआई की जानिब से इसी मसले पर मुतालबा पेश किया गया, जिसमें उन्होंने बेलगाम डीसी से मुतालबा पेश किया कि बाकी बिल अदा ना करने पर बिल अदा करने के लिए हेस्कॉम की जानिब से दबाव डाला जा रहा है और पूरी रकम अदा ना करने पर बिजली भी काट दी जा रही है। लिहाजा हेस्कॉम के मुलाजमीन को ताकीद दी जाए और इंसानियत के साथ पेश आने की ताकीद भी दी जाए। ये भी सच है कि कोरोना लॉकडाउन के चलते काफी दिक्कतें गरीब मजदूरों को बिजली का बिल अदा करने के लिए आ रहे, आधी रकम लेकर कुछ रकम के लिए मोहलत दी जाए, ऐसा आवाम का कहना है। लिहाजा क्या हेस्कॉम इस पर संजीदगी से तवज्जो देगी, ऐसा सवाल भी किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।